এ বলে আপি ও তো मेरी बेटी कौन है? मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। एक दो तीन बिरयानी खाना है आपको? हाँ। ला के दूँ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय टू फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा का दिन है और आप सबको मुबारक हो। और बस आज का व्लॉग हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत छोटा सा है। लेट्स गो। और मारो दुआ मांगो। येरा दुआ मांगो, दुआ मांगो। अरे पाप दुआ मांगो। अरे पाप मम्मी की नहीं की दुआ क्यों की नहीं दिया? हमी नामिंग करो। दुआ मांगो, दुआ मांगो येरा, दुआ मांगो, दुआ अल्लाह अल्लाह। कौन हो येरा? बुलापी उठो। ए बुलापी उठो। बुलापी उठो। नहीं उठ ली। नहीं उठ ली। आपी आपी को उठाओ। एरा आपी को उठाओ। बोलो उठो। अब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बाल छोड़ दो। बाल नहीं, ऐसे उठाओ। आपी ऐसे उठाओ। फातिमा आपी उठो। मुन्नी उठ गई। फातिमा गेट अप। मुन्नी उठा रही है। अरे क्या कर रही है? उठते ही गेट अप। गिरी उठो। मम्मा आप, मम्मा मुन्नी आपको उठा रही थी। आओ आया मेरी जान। मेरी बेटी कौन है? एक दो तीन। मेरी बेटी कौन है? मेरी बेटी कौन है? मेरी बेटी कौन है? भागी अपने बाबा के पास। मेरी बड़ी बेटी कौन है? मेरी बड़ी बेटी आ जाए। ए आप तो छोटे नहीं रहा। ए रहा। ए तू बोल मेरी बेटी कौन है? मेरी बेटी कौन है? मेरी बेटी कौन है? बेटी मेरे पास आ जाए जल्दी से। मेरी बेटी तो मेरे पास है। मेरी बेटी आ जाओ। मेरी बेटी कौन है? मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। एक दो तीन बार में डर है। इरे इरे तिंदिका, इरे आकर आ, इरे आकर आ, इरे तिंदिका आकर आ आ आ। अगर आ दुआ मांग रही अल्लाह। ये दिए अल्लाह 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 ताला। बोलो अल्लाह। अल्लाह ताला बोलती है। अल्लाह ताला देखा। बोलो अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इरा इरा ये इसकी नजर बिल्कुल आप पर है। की कब आप बोले मेरी बेटी कौन है? फोन भाग कर रहा है। मेरी बेटी कौन है? देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना नजर जमा दिया। ए दोनों बेटा। मेरी फातिमा भी सो के उठी है। Hi।
ये मेरी बेटी है। अल्लाह अल्लाह लल्ला पढ़ गई रतो इरा लल्ला पढ़ो दुआ मांगो इरा इरा बहुत काम करके थक गई है लेट गई है इरा पातू निन्ना करके उठियो टेट ब्रश करो चलो ये मार रही है आपको इरा फातिमा को मार रही है ओ आवाज़ दे दो आपी को आवाज़ दे दो इरा आवाज़ दे दो आपी को इरा आपी को आवाज़ दे दो अच्छा जी तो बस यहाँ पे जो है ना इसके बाबा और ये फातिमा और इरा तीनों खेल रहे थे। सुबह के टाइम तो उठ गए थे ये लोग 9 बजे के करीब उठ गए थे, तो बस नाश्ता करके फिर उसके बाद बच्चियाँ ना दोनों बच्चियाँ दोबारा सो गई थी और ये ऑफिस चले गए थे। और फिर जब ये आए तो ऑफिस से तो बस ये नहाने जा रहे थे, तो बस कपड़े वपड़े चेंज करने जा रहे थे, नहाने जा रहे थे क्योंकि आज जुम्मे का दिन था। तो उतने में दोनों बच्चियों ने इनको खेल पर लगा लिया, दोनों की दोनों इरा तो जब से खेल रही थी जब से ये आए थे ना दोबारा से मतलब जॉब से आए थे तो जब से खेल रही थी इनके साथ। तो इनको कब से ना नहाने के लिए बैठे हुए थे कि मैं जा रहा हूँ नहाने जा रहा हूँ, उनका हुलिया भी इतना बिगड़ा हुआ था तो फिर भी ना इन्होंने कहा कि चलो बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ के खेल लेता हूँ फिर नहाने चल जाऊँगा फिर उसके बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उतने में जब ना ये नहा वहा के आ गए और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़कर आ गए तो फिर उसके बाद ये बाहर से ना ये लेते हुए आ गए थे क्योंकि ना दोपहर के टाइम ना गैस नहीं आ रही थी और ना सुबह के टाइम मैं ना बच्चों को नाश्ता सुबह सुबह करवा देती हूँ क्योंकि ना फिर ना गैस नहीं आती है। तो बस फिर उसके बाद ना मैंने ना दोपहर के टाइम ना ये लगा लिया खाना और अपने लिए तो मैंने वही तंदूर की रोटी तली थी और क्योंकि रखी हुई थी तो किसी ने सुबह खाई नहीं थी बस मैंने और मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो बस अपना वही तंदूर की रोटी ना मैंने तल के चाय के साथ खा लिया, थोड़ी सी बिरयानी खा ली, थोड़ी सी दलीम चख ली बस इसलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके। और मैं भी जमा करूंगी चला चला रो देते बिरयानी खाना है आपको ला के दूं जी बोलते हैं करीब पड़ो करीब तो सहान ला के आ जाओ। चलो अब छोटा सा खोल लो बस छोटा सा खोल लो छोटा सा अच्छा जी तो बस यहाँ पे जो है ना फातिमा को भूख लग गई थी और शाम के टाइम था ये, तो बस शाम के टाइम ना इसको ना मैं चाय पापड़ और बिस्किट मतलब ये सब चीज़ें देती हूँ। तो उस वक़्त तो मतलब डॉक्टर ने भी मना किया था ज़्यादा तल की चीज़ें खा देने तली हुई चीज़ें देने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको पापड़ वगैरह तल के नहीं दिया वरना रोज़ जो है हमारे घर पे मतलब कि मैं तो लाजमी पापड़ खाती हूँ तो बस वरना बच्चों को जो है ना वरना मैं दे देती हूँ, लेकिन इसकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी तो बस इस वजह से मैंने दिया नहीं। तो फिर मैंने इसको बिरयानी रखा हुआ था इसका, तो बस मैंने इसको बिरयानी दे दिया। और फिर इसके बाद जो है ना फातिमा माशाल्लाह से मटर छिलना आ गया था बस, और ना अम्मी के घर पे ना ये अलग से जगह बैठ गई थी जहाँ ट्यूशन के बच्चे आए हुए थे पढ़ने के लिए, तो बस वहाँ पे ना बैठ के ना मटर छिल रही थी खुद से अलग से अपना आधा हिस्सा निकाल ली और मटर छिल रही है। अच्छा जी तो आज बस छोटा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग बनाया मैंने, तो बस उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा, लाइक कर देगा कमेंट कर देगा और एक अच्छा सा और शेयर कर देगा और लाजमी सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।